अस्सलामुअलैकुम बच्चों। वालेकुमअस्सलाम। तो अभी हमने हमारी मैरी हैड अ लिटिल लैम पोएम पढ़ी है ना। यस मिस। उस पोएम में क्या बताया गया है, वो पोएम किस बारे में है, ये हम आज सीखेंगे। ठीक है, मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन यानी कि खुलासा बताऊंगी। ठीक है, तो मैरी हैड अ लिटिल लैम मतलब क्या, मैरी के पास एक लिटिल लैम है यानी कि छोटा सा मेमने का बच्चा है। ठीक है, मैरी के पास क्या है, एक छोटा सा मेमना है। ठीक है, उसके इट्स प्लीज वॉज व्हाइट एज स्नो, व्हाइट एज स्नो, इट्स प्लीज वॉज व्हाइट एज स्नो मतलब उसकी जो प्लीज है, उसकी जो बॉडी के ऊपर ये होते हैं हमारी जैसे जल्द होती है, वो है वो वाइट है यानी कि सफेद है बिल्कुल बर्फ की जैसे। ठीक है, एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट यानी कि जब हर जगह जहाँ पे भी मैरी जाती है लैम्प उसके साथ ही जाता है। द लैम्प वॉज श्योर टू गो यानी कि लैम्प हमेशा उसके साथ ही जाता है जहाँ जहाँ पे भी मैरी जाती है। ठीक है, इट फॉलोड हर टू स्कूल वन डे, इट फॉलोड हर टू स्कूल वन डे यानी कि उसने मैम ने जो है वो मैरी को एक दिन स्कूल फॉलो करता है यानी कि मैरी स्कूल जाती है तो मैम ने भी उसका पीछे जाता है, लैम्प भी उसके पीछे जाता है। ठीक है, दैट वाज अगेंस्ट द रूल। तो अगर मैम ने यानी कोई भी आप लोगों के पास घर में कैट होंगे, डॉग्स होंगे, बकरी होंगी है ना, तो आप लोग उसको स्कूल में लेके जाते हो? नो। क्यों नहीं लेके जाते हो? क्योंकि टीचर अलाउड नहीं होता है ना। तो दैट वॉज अगेंस्ट द रूल, जब मैम ने उसके स्कूल में पीछे गया मैरी के, तो दैट वॉज अगेंस्ट द रूल, अलाउड नहीं होता है ना स्कूल में। यस, इट मेड द चिल्ड्रन लैम्प एंड प्ले। जब मैम लैम्प स्कूल चला गया तो जब बच्चों ने उनको देखा तो वो बच्चे देख के उसको हंसने लगे और उसके साथ खेलने लगे। अगर आपके स्कूल में भी कोई सपोज कैट आ जाए, डॉग आ जाए, तो आप देख के खुश होंगे ना, उसके साथ खेलने लगोगे, तो ऐसे ही बच्चे उसके साथ खेलने लग जाते हैं। टू सी अ लैम्प एट स्कूल, लैम्प को देखकर वो बच्चे उसके साथ क्या करते हैं, खेलने लग जाते हैं। ठीक है, व्हाई डज द लैम्प लव मैरी सो, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लैम्प जो मैरी से इतना क्यों प्यार करता है। लैम्प प्यार करता है इसीलिए उसके पीछे गया ना स्कूल में, तो इतना प्यार क्यों करता है। द लिटिल चिल्ड्रन क्राई मतलब वो देख के कि लैम्प मैरी को कितना प्यार करता है तो बच्चे कुछ रोने लगते। ठीक है, उसके बाद व्हाई मैरी लव द लैम्प यू नो, व्हाई मैरी लव द लैम्प यू नो, आपको पता है कि मैरी लैम्प मैरी को इतना पसंद क्यों करता है, इतना प्यार क्यों करता है। तो द टीचर डिड रिप्लाई, जो टीचर है वो उनको रिप्लाई करती है, क्यों करती है, लैम्प इतना प्यार क्यों करता है मैरी से, बताओ आप लोग, आपको क्या लगता है, हमने पोएम पढ़ी अभी, मैरी भी इसको प्यार करती है, मैरी उसका ख्याल रखती है। अभी आपके घर में कैट है तो आप उसको दूध पिलाते हो, उसको देखते हो बराबर आई कि नहीं बाहर गई, तो उसको अगर खाना है यानी कि दूध पीना है तो आप उसको दूध देते हो, डॉगी को बिस्किट देते हो। तो वैसे ही मैरी जो है लैम्प का ध्यान रखती है, उसकी केयर करती है, उसे प्यार करती है। तो लैम्प भी क्या करता है, उससे प्यार करता है। अच्छी बात है ना, ये हमारे जो पेट एनिमल्स है, हमारे जो पालतू जानवर है, हमारी कैट अगर डॉग है, बकरी है, उनको क्या करे, अगर उनकी केयर करे, उनको कुछ खिलाए। बकरी क्या खाती है, चारा खाती है, कैट क्या खाती है, दूध पीती है, डॉगी बिस्किट खाते हैं, मैम ने जो खाते हैं वो उसको मैरी खिलाती है। तो ऐसे ही हम भी अगर हमारे घर में जो भी पेट एनिमल होते हैं उनको उनकी केयर करेंगे तो वो भी क्या करते हैं, हमसे प्यार करने लगते हैं। इसीलिए लैम्प मैरी के स्कूल तक पहुँच गया, उसका पीछा करते करते क्योंकि पहुँच गया, क्योंकि वो उससे प्यार करता है। समझ आया? Yes, yes. आपको क्या समझा, आपने अपना बताइए एक बार, आपको क्या लगता है कि क्यों गया वो? वो प्यार करता है उससे। आपको वो कुछ और लगता है तो आप अपना भी बोल सकते हो कि आपको पोएम से क्या समझ आया। अभी मैंने आपको इसका मतलब भी समझा दिया है ना। Yes.
आप लोग कैसे अभी आप लोग भी ऐसे आपका अगर घर में कैट है डॉग है तो उसकी केयर करेंगे ना? यस मिस। आपके घर में है कैट? यस मिस। किसी किसी घर में? और कुछ और है किसी के घर में जैसे बकरी हो गया डॉग हो गया? यस हमारे नानी के घर में है बकरी। बकरी है ना? यस उनका भी ध्यान रखना चाहिए है ना? हमारे में फिश है। अरे वाह वेरी गुड। उसको भी आप कुछ ना कुछ खाने डालते होंगे ना फिश टैंक में? इसी तरीके से हमको हमारे पालतू जानवरों का क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है चलो थैंक यू सो मच। थैंक यू।